42 अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। चेचक एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जिसे चिकन पॉक्स, छोटी माता, वेरिसेला और चेचक जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि चिकन पॉक्स क्या होती है, इसके कारण और लक्षण क्या हैं, चिकन पॉक्स में क्या खाएं और क्या ना खाएं, चिकन पॉक्स या चेचक से निपटने के उपाय, ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। और मिजिस वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो एपिसोड भी देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए बात शुरू करते हैं कि क्या होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या छोटी माता, जिसे वेरिसेला भी कहते हैं, यह हर्पीज वायरस वेरिसेला से होने वाला संक्रामक रोग है। इसके जीवाणु सांस की नली के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न अंगों में रोग पैदा करते हैं। इसकी शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द और मामूली ठंड लगती है और यह 24 घंटे तक रहता है। इसके बाद त्वचा में दाने दिखाई देते हैं और खुजली होने लगती है। दाने धड़ से अधिक होते हैं तथा चेहरे पर कम और हथेली या तलवों में नहीं होते। रोग जटिल होने पर बैक्टीरिया संक्रमण और पूरे शरीर में संक्रमण यानी सेप्टिसीमिया, जोड़ों में दर्द जिसे आप अर्थराइटिस कह सकते हैं, फेफड़ों में सूजन जिसे निमोनिया कहा जाता है या मस्तिष्क में सूजन जिसे इंकेफेलाइटिस कहा जाता है हो सकता है। और आइए अब जानते हैं चिकन पॉक्स के कारण और लक्षण क्या हैं। चिकन पॉक्स में पहले दिन कुछ ही पानी के दाने निकलते हैं लेकिन आगे कुछ दिनों में काफी दाने निकलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हर फफोले के चारों तरफ थोड़ी लाली होती है और शरीर में केंद्रित होती है। पहले दिन रोगी को आमतौर पर हल्का बुखार होता है, इसलिए रोगी अक्सर इस पर ध्यान नहीं देता। ये फफोले छोटे और अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से नहीं मिलते। ये पानी के दाने बिना किसी दवा के आमतौर पर 10 दिन के अंदर खुद ही कम हो जाते हैं। घाव पर पपड़ी पड़ जाती है और पपड़ी बिना कोई अस्थायी निशान छोड़े निकल जाती है। हालांकि कुछ रोगियों में घाव दाग भी छोड़ जाते हैं लेकिन यह बाद में ठीक हो जाता है। कभी कभी घाव पायोजेनिक जीवाणुओं से इन्फेक्ट हो जाते हैं जो गोलाकार गड्ढेदार दाग छोड़ जाते हैं। यदि रोगी की प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कोई लक्षण हो या चिकन पॉक्स के व्यापक होने का खतरा हो तो एंटीवायरल दवा लेना आवश्यक होता है। रोगी के संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियात बरतने के अलावा कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती। जो लोग पहले चिकन पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें इन वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधकता आ गई है, उन्हें बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो लोग, विशेषकर बच्चे जिन्हें पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है या जिनमें पहले इन्फेक्शन के दौरान पर्याप्त प्रतिरोधकता नहीं आई है, उन्हें रोगी से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को रोगी से दूरी बनाए रखनी चाहिए या सावधानी के तौर पर वैसे भी रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना अनिवार्य है। मरीज की त्वचा से पपड़ियों के गिर जाने तक मरीज को अलग रहना चाहिए। रोगी को अस्पताल में रहने पर कार्टियोस्टेरॉइड या प्रतिरोधकता दबाने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे रोगियों को चिकन पॉक्स के रोगी से दूर रखना चाहिए। रोगी को तेज बुखार होने पर नहलाना नहीं चाहिए। खुजली होने पर वहां कैलामाइन लोशन लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एंटी इन्फेक्टिव लोशन या मलहम भी आप लगा सकते हैं। चिकन पॉक्स में रोगी को नहलाने के बजाय शरीर को स्पंज से साफ करना चाहिए, लेकिन यदि रोगी को स्नान करने की इच्छा हो तो उसे डॉक्टर की सलाह पर नहाने दिया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि चिकन पॉक्स में क्या खाएं। इस बीमारी में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का अधिक सेवन करना चाहिए, पर ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट आपको नेचुरल सोर्सेस से लेना चाहिए, जो आपको मिलते हैं चावल, दलिया, ओट्स, आलू और केले से, इसलिए इनका सेवन करें। चिकन पॉक्स की वजह से हमारे शरीर को विटामिन ए और सी की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए नींबू, संतरा, पपीता, तरबूज, गाजर, खीरे, टमाटर और स्प्राउट चिकन पॉक्स में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चूंकि भूख न लगना चिकन पॉक्स का एक सामान्य लक्षण है, इसमें आमतौर पर पानी की कमी भी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें,
यानी 6 से 8 ग्लास पानी और तरल चीजें जैसे फलों के जूस आप लेते रहें। चिकन पॉक्स के रोगी को फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। आपके शरीर को इस बीमारी से उबरने के लिए विषाणुओं से लड़ना होता है और उसे मारना भी पड़ता है, इसलिए शरीर को पौष्टिक भोजन जैसे अंगूर, केले, सेब, खरबूजे जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। आपके मुंह और गले में फफोले हो सकते हैं जिससे अनार या संतरा का सेवन करने में कठिनाई हो सकती है। इन फलों का मिल्क शेक या जूस बना लें और थोड़े थोड़े समय पर पीते रहें। चिकन पॉक्स होने पर पूरे दिन दही की अच्छी मात्रा लें। दही कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत होता है। यह त्वचा की अच्छी तरह से उपचार करने में भी मदद करता है। सुबह के समय आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज होते हैं। 0 कैलोरी होने की वजह से यह शरीर को ठंडा रखता है और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। दोपहर और रात के खाने के साथ आप टमाटर का सूप भी पी सकते हैं। संतरे और अन्य खट्टे फल प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अच्छे होते हैं। रोज 1 ग्लास ऑरेंज जूस पीना आपके लिए फायदेमंद होता है। और ध्यान रखें कि आप ऑरेंज जूस घर में बना हुआ पिए, ना कि बाजार के डिब्बा बंद जूस, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। चिकन पॉक्स में ताजी सब्जियां और कच्चे फल लेना अच्छा है। तुलसी और कैमोमाइल जैसे हर्बल चाय आपकी इसमें मदद करती हैं। अन्य खाद्य पदार्थों में गाजर, टोफू, काजू, अमरूद, अंडे, लहसुन, अदरक, चुकंदर, ब्लूबेरी भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इस बीमारी में पानी वाले आहार जैसे ककड़ी, टमाटर, पालक, तरबूज, कीवी और अंकुरित चने, मक्का, मटर का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। और आइए अब जानते हैं कि चिकन पॉक्स में क्या नहीं खाना चाहिए। चिकन पॉक्स में डेयरी उत्पाद, मांस, रोटी या किसी अन्य प्रकार के भारी भोजन जो पचाने में मुश्किल हो, इनसे परहेज करना चाहिए। रिफाइंड घी, तेल, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। तली गर्म मसाले वाली चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं। अपने भोजन में तेल या मसाले का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चिकन पॉक्स में आमतौर पर पाचन तंत्र धीमा होता है और आपको चिकन पॉक्स के पहले के कुछ दिनों में खाने का मन भी नहीं कर सकता, इसलिए जी मचलाना और उल्टी से बचने के लिए तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखें। शरीर को अधिक शक्कर वाले पदार्थों के सेवन से भी बचाना चाहिए, जैसे मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री इत्यादि। और आइए अब बात करते हैं चिकन पॉक्स या चेचक से निपटने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। चिकन पॉक्स होते ही रोगी को डॉक्टर को दिखाएं और कई चीज़ जो घर में उपलब्ध रहती है उसे आप दानों पर लगा सकते हैं। इन पदार्थों को लगाने से चेचक के दाने ठीक होने के बाद त्वचा पर दाग बनने की आशंका नहीं रहेगी। और ये पदार्थ हैं, संतरों के छिलकों को आप पीसकर चेचक के दानों पर लगा सकते हैं, पानी को हल्दी में घोलकर भी आप शरीर पर लगा सकते हैं और नीम की छाल को पानी में पीसकर भी आप शरीर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा नारियल तेल में कपूर मिलाकर भी आप शरीर की मालिश कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि वायरस से होने वाले इस रोग में शरीर पर लाल दाने निकलते हैं और इन दानों में पानी सा निकलता है। ये दाने धीरे धीरे सूखते हैं और इन पर खुरंड भी जमता है। जब खुरंड निकल जाता है तो दानों की जगह पर दाग बन सकते हैं। इसके अलावा आप चेचक में सुबह के समय आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस भी पी सकते हैं, शहद भी चाट सकते हैं और मुनक्का को तवे पर भूनकर खा सकते हैं। यह भी चेचक में बहुत फायदेमंद होता है। तुलसी के बीज और धुली अजवाइन को पीसकर पानी के साथ ले सकते हैं। चिकन पॉक्स की बीमारी में हरी सब्जियां, मूंग दाल और चपाती का सादा भोजन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर आप भी चेचक से पीड़ित रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए आपने कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन किया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको चेचक से लड़ने में मददगार साबित होगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।